अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हसन है। अभी मैं ऊपर दाना पानी करने जा रहा हूँ। आज का मौसम भी बहुत अच्छा होता है। माशाल्लाह कह दिएगा, सब बड़े बड़े हो गए हैं। ये हैं थोड़े छोटे हैं अभी। ये हॉस्टल वॉक हैं, ये और आधे याद के हैं हॉस्टल वॉक के लिए, और आधे याद वाले 5 महीने में बड़े हो जाते हैं। अभी तो हम इनको शुरू में दे रहे थे 0 की फीड, लेकिन अब हम इनको बड़ी वाली फीड दे रहे हैं। ठीक है, इस मुर्गी की हमने टांग बांध दिया। मुर्गी की टांग बांधने की वजह यह है कि वो जो ब्राउन वाली मुर्गी बैठी हुई ना कोने में आ रही, ये उसको मार रही थी बहुत ज़्यादा। और ये जिस पिंजरे में थी इस वाले में, ये इसमें इस वाली मुर्गी को देखें, ये देखें ऊपर से इसने बहुत मारा इसके सर पे। फिर हमने जब इस मुर्गी को इसमें छोड़ा तो इसने उसको ब्राउन वाली को मारना शुरू कर दिया। ये देखें ब्राउन वाली को भी इसने बहुत मारा है, सर पे मारती है। अब हम चलते हैं बत्तख के बच्चों के पास। ये बस ये गेट खुलता है, ये सारे बाहर आ जाता है। रात में हमने इनको बाहर नहीं निकालते, क्योंकि रात पे जाना था छत पे, बड़े साइज़ वाले चूहे भी घूम रहे होते हैं। माशाल्लाह कह दिएगा, माशाल्लाह से भी बहुत अच्छा हो रहा है। ये इस साइड पे हमारे ये चूजे घूम रहा है, और यहाँ पे ये बत्तख के बच्चे, ये देखें हम माशाल्लाह, माशाल्लाह से ये येलो वाले बहुत अच्छे हो रहा है। अब तो ये ब्लैक वाले भी सही हो रहा है माशाल्लाह से, लेकिन ये हार्ट में थोड़े से छोटे हैं येलो से। अब हम इनको अंदर कर देते हैं बस। ये इनके लिए अंदर रखा हुआ है ताकि इसके अंदर ये नहाते रहें, और ये नहाते रहते हैं इसमें बस। ये देखें रोज़ जो है ना फीड गिरी हुई होती है इसमें, ये है 0 नंबर की फीड। ये बहुत भूखे हो गए थे लोग, भूख की वजह से बस ये जल्दी से बाहर निकलते हैं, क्योंकि बाहर इनको कुछ कुछ मिल ही जाता है। अब हम इनको जब तक खाने देते हैं, इनको बंद कर देते हैं। और ये है वाली फीड जो हम मुर्गियों को देते हैं, इसके अंदर हमने चावल जो आता है ना, हमने वो भी मिलाया हुआ इसमें। एक गिलास हम ये मुर्गी को दे देते हैं इस पिंजरे में, एक गिलास उस वाले पिंजरे में दे देते हैं। ये एक गिलास भी बहुत मुश्किल से देना पड़ता है, नहीं तो मैं इसको इन सबको बाहर निकालता हूँ इसमें से, वरना फिर ऐसे ही उछाल के डालना पड़ता है। तो देखें अब कैसे गिरा भी है, बाहर भी गिर गई। फिर अब थोड़ी हम इसमें डालेंगे, फिर ये मुर्गे के ऊपर चली गई सारी।
माशाल्लाह से सही बढ़ गए हमारे चूहे। देखें ये घूम रहा है, कुछ यहाँ पे घूम रहा है, इधर घूम रहा है, कुछ कुछ इधर घूम रहा है, माशाल्लाह कह दिए। ये इसमें से चूहा निकलने वाला था, एक मुर्गे का जो बचा हुआ था, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें जो ना चूजा मर गया। रखे मैं ऊपर बत्तख के अंडे, इसमें से इंशाल्लाह 10 दिन बाद निकलेंगे तकरीबन। फिर हम इसको 1 महीने के लिए बंद कर देंगे मशीन को। तो आज तक के लिए इतना ही, अब इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा।